तो आज का प्रोफाइल एक विधवा वधू का प्रोफाइल है जो आप स्क्रीन पर फोटो देख रहे हैं। इन्होंने हमें अपना बायोडाटा भेजा हुआ है। अगर आप सेकंड मैरिज करना चाहते हैं तो आप इस प्रोफाइल को अंत तक देखें, ताकि जो भी इनके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या करती हैं, आप सब जान सकें क्या रिक्वायरमेंट है इनके रिश्ते को लेकर। तो मैं आपको आज के बायोडाटा के बारे में बता देती हूँ। इनका नाम विनीता विनीता मिश्रा है और विनीता जी विडो हैं। इनके हस्बैंड एक्सपायर कर चुके हैं और इनकी एक 1.5 साल की लड़की है, जो आप फोटो देख रहे हैं विनीता जी के साथ, वो ही उनकी लड़की है। और ये विनीता जी का प्रोफाइल हमें उनके किसी रिश्तेदार ने भेजा हुआ, उनके घर से ही उन्होंने खींच के भेजा हुआ है। और विनीता जी के हस्बैंड को एक्सपायर किए अभी कुछ समय हो गया है। तो इनके पड़ोसी, जो रिश्तेदार हैं इनके पड़ोसी, उन्होंने हमें इनका बायोडाटा भेजा हुआ है। उनका कहना है कि विनीता जी को जल्द से जल्द दूसरी शादी करनी थी और इनको रिश्ते की तलाश थी, तो इसलिए उन्होंने उनका बायोडाटा हमें भेजा। तो मैं आपको विनीता जी के बारे में बता देती हूँ। विनीता जी उत्तर प्रदेश बुलंदशहर की रहने वाली हैं और इनकी उम्र 32 साल है। विनीता जी ने एजुकेशन में 4th तक पढ़ाई की हुई है और ये दूसरों के घरों में खाना बनाने का काम करती हैं। इनके जो फादर हैं वो भी एक्सपायर कर चुके हैं और इनके पति भी पहले मजदूरी का काम करते थे, पर उनकी मृत्यु के कारण विनीता जी को अपने बच्चे का पालन पोषण और अपनी 2 वक्त की रोटी के लिए दूसरे के घरों में जाकर काम करना पड़ रहा है। विनीता जी, इनका कहना है कि उनको ऐसा जीवन साथी चाहिए जिंदगी के हर मोड़ पर उनका साथ दे और सुख दुख में हमेशा उनके साथ रहे, किसी भी मोड़ पर उनका साथ ना छोड़े, और लड़का ऐसा हो जो उनको उनकी बच्ची के साथ स्वीकार कर सके, ऐसे इनको रिश्ते की तलाश है। तो मैं आपको लड़के के बायोडाटा के बारे में बता देती हूँ, रिक्वायरमेंट के बारे में कि उनको कैसा लड़का चलेगा। विनीता जी का कहना है कि इनको 30 से 40 साल तक के रिश्ते चल जाएंगे, उससे ज़्यादा एज होगी तो भी उनको कोई परेशानी नहीं है। अगर लड़का विधुर, तलाकशुदा या अनमैरिड होगा तो भी इनको चल जाएगा। अगर उनके बच्चे वगैरह होंगे तो भी इनको कोई परेशानी नहीं है। बस रिश्ता ऐसा हो जो विनीता जी को उनकी बच्ची के साथ स्वीकार करे, उसमें किसी प्रकार का, उसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना करे, ऐसे इनको रिश्ते की तलाश है। और इनका कहना है कि लड़के की आय से इनको कोई परेशानी नहीं है। अगर लड़का महीने में थोड़ा बहुत भी कमा लेता हो, बस इतना कमा लेता हो ये 2 वक्त की रोटी खा सके, और इनको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है लड़की की। अगर लड़के का कच्चा मकान होगा या किराए से रहते होंगे या फिर खुद का मकान भी नहीं होगा तो भी ये शादी कर लेंगी। और इनको जल्द से जल्द रिश्ते की तलाश है। अगर आप भी ऐसे रिश्ते ढूंढ रहे थे और आपको विनीता जी का बायोडाटा पसंद आया हो तो आप इनको ज़रूर संपर्क करें, और जो रिश्ता करने में इंटरेस्टेड है वो ही इनसे संपर्क करें। संपर्क के लिए आप अपना नाम, एज, कांटेक्ट नंबर वगैरह कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम विनीता जी तक आपका बायोडाटा पहुंचा सकें और वो आपसे संपर्क कर सकें। और अगर आपको विनीता जी का बायोडाटा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें।